हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप किसी के यहाँ पेन गेस्ट है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो ऐसे समय पे नया सोफ़ा ख़रीदना, वो फिर शिफ्टिंग के दौरान ख़राब हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर आप रेंट पे भी रह रहे हैं तो भी आपको बैठने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कुर्सी है या छोटा सोफ़ा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही कम बजट में किस तरीके से हम वेस्ट टायर का यूज़ करके DIY सोफ़ा बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 कार के टायर्स जो वेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इन टायर्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर आपके पास कार के टायर्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे समय पे आप आपके नज़दीकी गैरेज जो होते हैं उनके यहाँ से इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही कम बजट में आते हैं। इन टायर्स को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसे धूप में सुखाना है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर हम गलती कर गए तो आपका बहुत ही ख़राब सोफ़ा बनने वाला है। तो बहुत ही बारीकी से हमें ये मेजरमेंट लेना है। सो यू कैन सी मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। दोनों भी टायर्स पे हमें अच्छे से पेन की हेल्प से मार्किंग कर लेनी है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद हमें चाहिए होंगे नट और बोल्ट। ये मैंने 3 ले लिए हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोहे की कोई चीज़ जो नोकीली हो वो गर्म करके इस टायर पे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसमें आप इसको प्रेस कर दीजिए, बाद में यहाँ पे होल बन जाएगा। सेम थिंग हम रिपीट करेंगे दोनों भी टायर्स पे, जहाँ पे हमें 3 होल बनाने हैं। इसके बाद हम लेंगे नट और इसकी साइज चेक करके फिर मार्तुल की हेल्प से इसे थोड़ा होल को बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि एक्सटर्नली हमें दिखता है कि होल हो चुका है, लेकिन इंटरनली ये उतना बड़ा नहीं हो चुका होता, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अब हम इस नट और बोल्ट को टायर के अंदर फिट कर देंगे। यू कैन सी तीनों साइड्स पे मैंने इसको सेट कर दिया है। तो गाइज, अब हम ये दूसरा जो टायर है वो भी इसके ऊपर अच्छे से फिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के ऊपर फिट हो चुके हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा लेदर। आप कोई भी ले सकते हैं, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसका कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप चूज कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेदर है, जिसके कारण ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है और बाहर से भी, तो बैठने के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। इस लेदर को टायर के मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच करवाया है। 50 रुपये में उन्होंने ये हमें सिला के दे दिया है। तो इस टायर के ऊपर इसे डाल के हम इसे अच्छे से पहना देंगे। हाँ गाइस, पहनाना है जैसे हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही करके हमें इसे सिर्फ इसके ऊपर डाल के खींच लेना है नीचे की तरफ। देख पा रहे होंगे ये ऊपर की तरफ से ऐसे दिखता है, तो हम अब इसको उल्टा कर देंगे ताकि हम इस लेदर को नीचे की तरफ अच्छे से खींच के फिर उसे अच्छे से सेट कर सकेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये नीचे की तरफ से ऐसे खींच लेना है हमें लेदर को। सबके घर में फटे पुराने कपड़े तो अवेलेबल होते ही है, तो उसे आज हम यहाँ पे यूज़ में लाएंगे। मैंने पुराना वाला बैग लिया है जो यूज़ में बिल्कुल नहीं है, और इसके अंदर पुराने कपड़े हैं जो हम कोई भी यूज़ नहीं करते, तो उसको इसके अंदर भर के उसे अंदर डाला है बेस के लिए। तो आप भी आपके घर में जो वैसे ही पड़े हुए कपड़े हैं बहुत सालों से, तो वो यूज़ में ला के ये अच्छे से भर सकते हैं। देन आप कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल कपड़े हैं वो सब डाल के इसे जैसे प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से हमें सारे कपड़े फुल ऑन भर देने हैं, और उसके ऊपर चढ़ के फिर हमें उसे दबा देना है ताकि अच्छे से सेट हो सके, बाहर ना निकले इसलिए। अब हम इस लेदर की जो साइड्स है, जो एक्सेस है, उसको फोल्ड करके लेंगे ताकि ये ख़राब भी ना हो, क्योंकि नीचे की साइड में हमने व्हील्स नहीं बिठाए हैं। अगर आप बिठाते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसे हमें अच्छे से अंदर की साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। जो ज्यादा का लेदर था उसे हमने फोल्ड करके ले लिया है ऑलमोस्ट। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाती हूँ ये कंफर्टेबल है कि नहीं। बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगता है जब आप इस तरीके का लेदर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 1-सीटर सोफ़ा बिल्कुल रेडी है बैठने के लिए। और हाँ, आप भी इस तरीके का सोफ़ा अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम वेट से लेके ज़्यादा वेट के किसी भी इंसान को आप इस पे बिठाएंगे तो भी ये उतना ही कंफर्टेबल होगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपके पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरीके के कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताइए।
और किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।